मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसी क्रम में सिरमौर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी बीडी पांडे गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ रीवा कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। कार्यकर्ताओं में जोश व खुशी की उमंग देखने को मिली। चुनावी मैदान में आने से पहले बीडी पांडे डीएसपी के पद में कार्य कर रहे थे। सेवानिवृत्त होने के बाद बीडी पांडे अपने गांव सिरमौर से जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए पत्नी रानू पांडे को चुनाव लड़वाया, जहां रानू पांडे को जीत मिली और अब विधानसभा चुनाव के लिए सिरमौर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी के तौर पर खुद चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र के लोगों में बीडी पांडे को लेकर काफी उत्साह है, क्योंकि क्षेत्र में बीडी पांडे अपने एक कार्य के लिए जनता के बीच जाने जाते हैं और वो कार्य है जनता के सुख दुख और जनता के बीच बने रहना। क्षेत्र के लोगों का ही कहना है कि दिव्यराज सिंह अपने राजशाही और तानाशाही रवैया के कारण ना तो जनता के बीच रहते हैं और ना ही जनता से मिलते हैं। दिव्यराज सिंह के ऊपर यह भी आरोप लगे कि सिरमौर में पिछले 5 सालों में ना तो सड़कों का विकास हुआ और ना ही युवाओं को रोजगार मिला और स्कूलों की स्थिति ऐसी है कि लोग मजबूरी बस अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए मजबूर है और अब वर्तमान विधायक से परेशान होकर वह बसपा प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते हुए बीडी पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे सिरमौर विधानसभा की जनता पूर्ण रूप से उत्साहित है और बहुजन समाज पार्टी के सर्वहारा वर्ग के लोग हमारे जो है बहुत उत्साहित है। निश्चित रूप से जो है सिरमौर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी। वहां पर सबसे बड़ी समस्या है विकास की। 50-60% गांवों में रोड रास्ते नहीं है। हम देखते हैं कोई प्रसूता महिला को अगर किसी को ले जाना पड़े तो बहुत लोगों को ऐसे स्थानों से जो है तो उसमें चारपाई पर लाना पड़ता है और कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जहां पर कि जो है प्रसूता महिलाओं को रास्ते में ले जाते वक्त ही प्रसूति हो गई है। कई बीमार आदमी जो है उनको चारपाई पर ले जाते वक्त दम तोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर रोड और रास्तों की। वहाँ पर समस्या है हैंडपम्पों की। हैंडपम्प इतने खराब हैं, नल जल योजना जो है नाम मात्र की रह गई है। वहाँ पर नल जल योजना तो ऐसे लगाई जा रही है, पाइपलाइन ऐसी बिछाई जा रही है जैसे टेम्परेरी व्यवस्था हो, 4 दिन के लिए बिछाई जा रही है, उसके पश्चात फिर उसको उठा लिया जाएगा। दो तरह की गई पहले इसी प्रकार से 50-60% जो है हमारे हैंडपम्प खराब हैं। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। वहाँ समस्या है आयरा प्रथा की। गौशालाएं नाम मात्र की बनी हुई हैं लेकिन किसी भी गौशाला में मवेशी नहीं रह रहे हैं। दो चार गौशालाओं को छोड़ दीजिए आप जो है। इसी प्रकार समस्या है स्वास्थ्य की। वहाँ पर जो है स्वास्थ्य कितनी बड़ी समस्या है कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ पर समस्या है शिक्षा की। वहाँ पर जो है जब से ये प्राथमिक विद्यालय बने हुए हैं उन विद्यालयों की पताई ही नहीं हुई। जब स्वच्छ वातावरण नहीं होगा तो वहाँ पर पढ़ाई कैसे होगी। वहाँ पर समस्या है बिजली की। बिजली के तार इतने खराब हैं कि जब से बनी हैं, जब से लगाए गए हैं तार, उनका जो है सुधार ही नहीं हुआ, ना वो चेंज किए गए। आए दिन ट्रांसफार्मर जलते रहते हैं, किसानों की फसल सूख रही है, धान की फसल सूखी जा रही है, ट्रांसफार्मर लगते हैं 4-4 महीने में। कई जगह तो मैं एक जगह गया हुआ था, बोले साहब 2 साल से खराब है ट्रांसफार्मर, आज तक नहीं लगा। ये समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र की। इन समस्याओं पर जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें तो कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला और जनता भी पूरी सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, सभी लोग बता देंगे कोई ऐसा बड़ा काम हुआ हो। मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ा काम हुआ है। देखिए रोजगार देने के नाम पर ही जो है आप सभी को मालूम है भारतीय जनता पार्टी जो है शासन सत्ता में आई थी
कि कई कई लाख लोगों को करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के नाम पर बिल्कुल जो है और कटौती हो गई है। शासकीय नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों में लगातार कटौतियां हो रही हैं। रोजगार कहाँ से मिल रहा है? बिल्कुल ही रोजगार शून्य है। हमारा युवा वर्ग बिल्कुल जो है बेरोजगार है, घूम रहा है। मेरा तो काम है बहुजन समाज पार्टी का जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हमारी पार्टी का नारा है, उसी को हम चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। पांडे जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया।